उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और ऐसे में भोजपुरी उसमें शामिल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है इस समय नेहा राठौर जी का एक गाना जो है ज़बरदस्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे धूम मचाया हुआ है और आज वो हमारे साथ हैं जानते हैं कि क्या है आखिर ये गाना मैडम कहाँ से आप ऐसा नहीं है कि एकाएक एक मेरे जहन में आ गया है और मैं यूपी में कावा गा रही हूँ मैं पिछले दो साल से ढाई साल से लगातार मैं लोकगीतों पर भोजपुरी लोकगीतों पर काम कर रही हूँ और 2018 के बाद से मैंने कई सारे ऐसे मुद्दों पर गीत गाए हैं जो जैसे बेरोजगारी पे महंगाई पे किसानों के मुद्दे पे महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे मैंने गीत गाए हैं जो जनता को पसंद भी आती रही है और कईयों को नापसंद भी ठीक है बिहार विधानसभा चुनाव के टाइम पे मैंने एक गाना गाया था बिहार में काबा तो उसके जवाब में बिहार सरकार ने बिहार में ईबा करके एक वीडियो जारी किया था तो वो बिहार में काबा काफ़ी लोगों को पसंद आया था क्योंकि चुनाव का टाइम था और चुनाव के टाइम पे अगर आप सरकार की क्या बोलते हैं कमियों को आप बताते हैं तो वो थोड़ा अलग लेवल से वो हिट होता है तो इसके बाद से भी लगातार क्योंकि कई लोग ऐसे कह रहे थे कि यूपी में काबा बस ऐसे करके चली आई है गाने पर ऐसा नहीं है मैं लगातार दो ढाई साल से लोकगीतों पर काम कर रही हूँ और इसके बाद बिहार में काबा के बाद फिर अब ये उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो नहीं, नहीं, जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आखिर यूपी में तो बहुत कुछ बा क्योंकि अगर बनारस आप पाई हैं तो काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बा गंगा को लेकर तमाम काम हुए हैं स्मार्ट सिटी को लेकर काम हुए हैं चार चार मल्टीनेशनल पार्किंग बनाए गए हैं तो ऐसे में तो यूपी में बहुत कुछ बा नहीं देखिए जो जो चीजें हैं जो आप बता रहे हैं गिना रहे हैं वो तो सरकार भी बता रही है कि हाँ हाई हाँ, चीज़ बा हाउ चीज बा लेकिन ओकरा साथ साथ सारा चीज भी बा जो हम अपना गाना में गई ले बनी कि यूपी में का बा तो ये तो दोनों चीज बा तो सरकार जब अपन तरफदारी बतिया रहा बा गाना गा गा के यूपी में सब बा तो हमने उनकी कमियाँ बताई कि यूपी में का बा अब मैंने कमियाँ क्यों बताई अब इस चीज़ को भी एक बात आप समझिएगा मैं लिखती हूँ और गाती हूँ मैं खुद को जन कवि कहती हूँ तो जन कवि कभी भी किसी का पक्ष नहीं ले सकता है वो तो जनता का होता है तो मैं जनता की बात लिख रही हूँ जैसे मेरे गाने का बोल है कोरोना में लाखन मर गई ले लासन से गंगा भर गई ले टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलारवा आपने भी रिपोर्टिंग करी होगी आपने देखा भी होगा कि क्या कोरोना के टाइम में स्थिति थी एक ने हमको ट्विटर पे लिखा था एक किसी महिला ने कि एफआईआर हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पास आंकड़े हैं झूठ बोलती हो वो आंकड़ों की बात करते हैं और कोरोना के टाइम पे हमारी सास मर गई थी कोरोना हुआ था उन्हें उनको रेमडेसिविर नहीं मिला था ठीक है और जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थी वहाँ पे वेंटिलेटर वेंटिलेटर था वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं था ठीक है तो इस तरह की चीज़ें थी मैंने मेंशन किया हुआ है उसमें कि मंत्री के बिटवा बड़ी रंगदार बा किसानन के छाती पर रौंदत मोटर कार बा तो लखीम लखीमपुर खीरी वाली जो घटना है क्या वो झूठ है नहीं है ना हाथरस का मेंशन किया है 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 वो झूठ नहीं ना तो मैं तो मैं केवल इश्यूज की बात कर रही हूँ क्या यही है मुद्दा तो देश के अंदर रोजगार भी है जिस तरीके से कोविड के दौरान तो गई है तो, तो इस बार का मुद्दा क्या निकल नहीं वही तो मैं आपको आपको कह रही हूँ मैंने पार्ट वन के अंदर इन सारी चीजों को मैंशन किया पार्ट वन जो है एक मिनट तीस सेकंड का वीडियो पार्ट टू के अंदर मैंने और नए मुद्दों को किया ठीक है बिल्कुल है यार बहुत सारे मुद्दे वही तो मैं कह रही हूँ कि अभी मैं पार्ट थ्री इसीलिए गाने वाली हूँ क्योंकि बहुत से मुद्दों को तो मैं गा नहीं पाई हूँ बहुत से मुद्दों को तो मैं लिख नहीं पाई हूँ इसीलिए एक एक पार्ट करके मैं गाने वाली हूँ तीसरे पार्ट में वही बेरोजगारी का मुद्दा है आज मैंने उसको लिख भी दिया है कि कमिंग उनने आपने शायद देखा भी होगा मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेंशन किया है कि बहुत जल्द पार्ट थ्री आ रहा है पार्ट थ्री में जिस तरह से जी, ये कहा जा रहा है कि एक प्लान के तहत है जो भी आपके गीत इलेक्शन के समय आते हैं तो एक प्लान्ड वे में उसको आप पार्ट वाइज लेकर के आती हैं इसमें कितनी सच्चाई है नहीं इस पर तो मुझे मैं आप सफाई भी नहीं देना चाहती हूँ एक प्लान है लोग प्लान ही नहीं कहते हैं ये भी कहते हैं कि विपक्षी पार्टी की ये एजेंट है मैं आपको बता रही हूँ ऐसा भी लोग कहते हैं हमको दलाल बोलते हैं मैं बता रही हूँ आप अगर कहने में संकोच कर रहे होंगे तो हमको ऐसा बोल बोला जाता है बिहार में काबा जब मैंने गाया तो बिहार की जो क्या बोलते हैं हाँ लोगों ने हम पे ये आरोप लगाया कि ये आरजेडी की एजेंट है अब जदयू की सरकार उनको लगा कि भैया विपक्ष की तरफ से गा रही है मैं हमेशा कहती हूँ कि जनता को विपक्ष के ही भूमिका में रहना चाहिए उन्होंने कहा कि ये आरजेडी की एजेंट है अब आप खुद बताएंगे क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है मैंने एक गाने का बोल लिखा कि पंद्रह साल चच्चा रह ले पंद्रह साल पप्पा अ तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा काबा बिहार में काबा तो उसमें तो लालू जी नीतीश जी दोनों लोग आ गए जब मैं आरजेडी की एजेंट होती मैं बार बार कहती हूँ और मैं कहना नहीं चाहती हूँ फिर भी कह रही हूँ कि लोग अगर ये पहली बार कोई इंटरव्यू देखेगा तो कहेगा कि नेहा जवाब नहीं दे पाई थी है ना लेकिन मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ऐसे मैंने बोला है तो अगर मैं आरजेडी जे की एजेंट होती तो उनके पंद्रह साल के शासनकाल के बारे में तो मैं बात ही नहीं नेहा जी जिस तरीके से यूपी का शासनकाल रहा है उसमें जिस तरीके से माफियाओं को पर सिकंजा कसा है हाँ। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे कुछ कुछ तो कुछ बिल्कुल तो बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो कोई भी हो वो कभी भी पूरी तरह से फेलियर नहीं हो सकती है और कभी भी पूरी तरह से वो सफल नहीं हो सकती मैं ये नहीं कह रही कि इस गवर्नमेंट की केवल नाकामिया 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 हैं अरे भैया अच्छे काम हुए हैं तो ये भी अच्छे काम तो आप गिना रहे हैं मैंने नहीं इनकार किया कि आपने कुछ अच्छा ही नहीं किया तो वो तो आप गिना ही रहे हैं तो जो चीजें आपके शासन काल में जो थोड़ी बुरी हुई हैं उसको तो आप गिनाने नहीं वाले तो उसको मैं गिना रही हूँ सिंपल सी बात है अच्छा ये गीत कहाँ से मनोज वाजपेयी ने भी इस गीत को जो है शायद कहीं गाया हुआ है मनोज बाजपे वाजपेयी जी वाजपेयी ने सॉरी मनोज वाजपेयी जी ने डॉक्टर सागर ने लिखा है बम्बई में काबा उन्होंने लिखा और मनोज बाजपेई जिसे गवाया है। तो उन्होंने उनका गीत है बम्बई में काबा जी एक आखिरी सवाल है नेहा जी आपकी शादी को लेकर काफी चर्चा है काफी कयास लगाए जा रहे हैं कोई कह रहा हो गया है कोई कह रहा नहीं हुआ है क्या है ये मेरी शादी नहीं हुई है यार नहीं हुई है क्या क्या, क्या खबरें बनाते मेरी शादी 15 जून को होने वाली थी लेकिन हमारी सास एक्सपायर कर गई तो हमारे यहां आपके यहाँ भी कहा ही जाता होगा हमने के यहाँ कहल जाला कि होली बीत बीतले बिया हो सम्मत जर जाई तो जौन भी होला पता नहीं अब हमके नहीं क्या पता कि दोष मिट जाला इसे करके तो अभी मेरी शादी हुई नहीं है होने वाली थी हमारी सगाई हो चुकी है शादी नहीं हुई है बिल्कुल हमने बात किया नेहा राठौर जी से और इन्होंने अपने पार्ट थ्री का राज खोला कि उनका पार्ट थ्री में जो आने वाला है उसमें चुनावी मुद्दा और इनके गाने का जो मेन सेंटेंस रहेगा या पॉइंट रहेगा वो रहेगा रोजगार प्रभा के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को